ना बनी ना तो फिर एक दिन आओ लगता इसी सारा सब्जी हल खराब हो गई लला का अभी अभी कहाँ बिकल है अभी ना ही बिकल अभी का इतना सारा बचले है फिर खराब हो है कि सब बिगा है कि सर सब सड़ गल जाए सूख जाए यदि आज बिक जाता ना तो हम लोग को एक अच्छी धनराशि बचत के रूप में मिल सकती थी लेकिन अब बचत क्या तो नहीं बिका तो समझ लीजिए कि सब बर्बाद ही चला गया है। क्या गाड़ी हो गया आज फिर से खराब। कटहर लिए थे और कटहर लिए थे हाँ नाप पड़ता हो चाची ना तो दे देती हाल। खीरा लिए थे ककड़ी लिए थे कटहर लिए थे और गाड़ी हो गया है खराब। अब देख कैसे बन है कि ना बनी ना तो फिर एक दिन आओ हलक तो इसी सारा सब्जी हल खराब हो गई हलक है आ उसी रह गई हलक आज फिर वैसी गाड़ी अब हो गए आ हाले फिलहाल बनवैले ही देखली कहे कि ठीक रहेगा देख फिर खराब हो गया का अभी अभी कहाँ बिकल है अभी ना ही बिकल अभी का इतना सारा बचले है फिर खराब हो है कि सब बिगा है कि सर सब सड़ गल जाए सूख जाए। हाँ कैसे व्यवस्था करे पड़ते अभी तो थोड़ा सा ही बेचबे कैले हली हाँ अभी लेबे कैले हली अभी सब है एक बोरा ककड़ी है ओने कटहर है नेम्बो है ना खा के कहाँ भी तो खाली पेट भूखे पेट हम निकलबे कैले हैं लेके बस सब्जी ना ना कोई बात नहीं चाची आए कहाँ चालू हुई थी भाई जी फिर बिगड़ गई आज वैसे ही लगे था एक दिन आओ बिगड़ल था फिर बिगड़ा हाले फिलहाल बनवा के अल आए हाँ सब साफ है देख खीरो आज 30-35 किलो खीरो ले ले ली खीरा ककड़ी जितना कटहर क्या कटहर करो में इतना है अभी इतना कटहर एने है अरे वैसे कभी कभी ऐसा हो जाए लेकिन पता ना कैसे आज ना स्टार्ट हुआ है एक बार हो ही लग अभी तुरंत स्टार्ट हो ही लग फिर बंद हो गया जो बंद हो ले फिर बाद स्टार्ट ना हो लग इतने 2000 के सब्जी है हाँ अब जकरा से वाली है वो थोड़े आपको अथी करेगा आखिर में गाड़ी हमारी नहीं ठीक हुई नहीं बन पाई अभी इसको हम धक्का दे के ले जा रहे हैं अपने गांव की तरफ और यहां से हमारा गांव है तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर। आप देख सकते हैं काफ़ी सब्जियां बची हुई हैं काफ़ी कर मतलब कि अभी तो लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम तक बेचे थे सर 1.5 किलो कटहल बेचे थे 2.5 किलो ये ककड़ी बेचे थे और 10 किलो नींबू बेचे थे अभी इतना ही बिकवे किया था कि हमारी मोपेट हो गई ख़राब से सब्जी ढोने वाली और सब कटहल वगैरह और ये ककड़ी वगैरह सारा चीज़ वैसा ही रह गया है और धूप देखिए दीदी भैया कितना धूप है आज 1 महीने से ऐसे ही हम लोग जूझ रहे हैं। अरे बाप बिगड़ गई हो भाई काफ़ी अभी हमको दूर जाना है एक दिन और ऐसे 1-2 दिन पहले भी खराब हो गया था आज फिर से वैसा ही खराब कैसे मिस्त्री बना के दे रहा है कि ठीक नहीं हमको समझ में नहीं है। नहीं हो रहा है बाप कितना धूप पानी उनी भी नहीं पिए हैं कमाने खाने का ही एकमात्र संसाधन है यही हमारा हाथ पर है ले दे के आज ये भी खराबे हो गया 2 पैसा का कमाते हैं आज घर से भी पूंजी दाण हो गया घर से भी आज पूंजी चला जाएगा लग रहा है बिकवे नहीं करेगा तो खराबे ना हो जाएगा सब्जी। अब हमसे चला नहीं जा रहा है आगे एक तो सुबह से हम खाना भी खा के नहीं चले हैं और काफ़ी हरासमेंट थकावट ऐसी लग रही मतलब लग रहा है कि एकदम चक्कर ऐसा आ रहा है एक तो जैसे तैसे आदमी पूंजी इकट्ठा करके 2 पैसा कमाने के लेके आदमी मेहनत करता है सारा दिन कुछ
आशा लगाए रहता है, उम्मीद लगाए रहता है कि इससे दो पैसा प्राप्त करेंगे तो घर गृहस्थी चलाने में, रोज का संसाधन जुटाने में, राशन खर्च वगैरह या बाकी चीज़ में थोड़ी सहूलियत होगी, सहायतार्थ हो जाएगी। और जब कभी ऐसा हो जाता है तो एकदम दिल टूट ही जाता है एकदम, आखिर हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है। ईश्वर भी हम गरीबों की खूब परीक्षा लेते हैं, जबकि हम लोग भी उनके पूजा पाठ सेवा सत्कार पूजा आराधना में कोई कमी नहीं छोड़। मम्मी कहाँ से हम आई थी बाप रे बाप, ढकेले ढकले ढकले जा पांच बोली बोले अभी से डेढ़ क्विंटल के सामान लेके हम कैसे फिर खराब हो गए बनवाओ कहीं कैसे बना के दिया कि का किया थरे थरे लाई हरासमेंट से चक्कर मार लगलक बाबू पानी ना पी लही हम रुको 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 ऐसे पहले बड्डा भाई स्टैंड पर लगा खींचो खींच रहे बढ़ के लिख बढ़ खींच उतारे पड़ते ही बचत के आप तो ये नहीं बिका तो समझ लीजिए कि सब बर्बाद ही चला गया है।